कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ आज, पीएम मोदी शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का करेंगे शिलान्यास। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज, विश्व भर के लगभग 10,500 एथलीट 329 स्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा, भारत के 117 एथलीट्स भी होंगे शामिल। शरणार्थियों को शरण वाले बयान पर घिरी ममता, बांग्लादेश ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा आतंकी उठा सकते हैं गलत फायदा। सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता को अभी और रहना होगा जेल में, 31 जुलाई तक बढ़ाई गई सभी की न्यायिक हिरासत, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मामला। भारी बारिश से महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी का बुरा हाल, 960 साल पुराने शिव मंदिर में भरा पानी, रेस्क्यू के लिए सेना तैनात। करगिल युद्ध की आज 25वीं वर्षगांठ, करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, आज ये 25वीं वर्षगांठ है करगिल युद्ध की। पीएम मोदी आज द्रास का दौरा करेंगे जहां सेना के जवानों के साथ करगिल विजय दिवस मनाएंगे। तो करगिल युद्ध की आज 25वीं वर्षगांठ है, करगिल विजय दिवस के रूप में देश इसे मनाता आ रहा है। आज 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी द्रास का दौरा करेंगे जहां द्रास में सेना के जवानों के साथ करगिल विजय दिवस मनाएंगे। तो सेना के जवानों के साथ आज करगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री द्रास पहुंचेंगे जहां पर वो सेना के जवानों के साथ करगिल विजय दिवस मनाएंगे। हर साल 26 जुलाई को मनाया जाने वाला करगिल विजय दिवस भारत की तारीख में काफी अहम दिन है। ये 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मुल्क के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ये दिन देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करता है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। इस दौरान वो उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय देश की रक्षा की थी। पीएमओ की ओर से जारी बयान में ये कहा गया कि 26 जुलाई को 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सुबह कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकुनला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट करेंगे। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक ये परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। आपको बता दें कि पूरी हो जाने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। ये परियोजना 4.1 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण निमू पदम दारचा रोड पर करीब 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाना है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंगुल्ला सुरंग रणनीतिक लिहाज से भी काफी अहम बताई जा रही है। इससे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। कारगिल युद्ध के जांबाजों की याद में आज द्रास में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और इस बार का कार्यक्रम खास है क्योंकि ये कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती है यानी 25वीं जयंती। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी, वीरता पुरस्कार विजेता, दिग्गज और कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों के परिजन उपस्थित रहेंगे। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक की लड़ाई लड़ी गई थी। 26 जुलाई को भारतीय सेना ने जीत हासिल की थी और तब से ही इस तारीख को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1999 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था कि दोनों ही देश के सैनिक सर्दियों में उन इलाकों में अपने जवानों की तैनाती नहीं करेंगे जहां पर बर्फ जमा होगी। भारत ने तो इस समझौते का पालन किया, लेकिन पाकिस्तान ने धोखे के तहत सर्दियों में पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इसमें द्रास, टाइगर हिल और कारगिल सहित कई अहम इलाकों पर वो पहुंच गए थे। करीब 134 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तानियों ने अपनी पैठ बना ली थी। कारगिल युद्ध के दौरान 3 महीने में भारत ने अपने 527 जवानों को खोया था। इस युद्ध में कुल 1363 जवान घायल भी हुए थे। ओलंपिक का आज से आगाज, तो पेरिस ओलंपिक का आज से आगाज। फ्रांस की राजधानी में 100 साल बाद आयोजन होने जा रहा है। सीन नदी पर उद्घाटन समारोह, वहीं समारोह का रात 11 बजे से प्रसारण होगा। तो बड़ा अपडेट है पेरिस ओलंपिक को लेकर। आज से आगाज फ्रांस की राजधानी में 100 साल बाद आयोजन किया जा रहा है, जहां सीन नदी पर उद्घाटन समारोह होगा। दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन इस बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। पेरिस में आज से शुरू हो रहे 11 अगस्त 2024 के बीच विश्व भर के लगभग 10,500 एथलीट कुल 329 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे और पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इस बार ओलंपिक में 206 देशों के एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी आज है। पेरिस प्रमुख मेजबान शहर है और इसके अलावा 16 अन्य शहरों में प्रतिस्पर्धाएं होंगी। पेरिस ने 1900 और 1924 में भी ओलंपिक्स की मेजबानी की और वो दुनिया का दूसरा देश बना जिसने 3 बार ओलंपिक की मेजबानी हासिल की। इससे पहले ब्रिटेन के लंदन ने 1908, 1948 और 2012 ओलंपिक की मेजबानी की थी। बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा देश के शरणार्थियों को आश्रय देने की पेशकश पर आपत्ति जताई है। सूत्रों के मुताबिक पड़ोसी मुल्क की ओर से कहा गया कि आतंकवादी इस तरह की घोषणा का फायदा उठा सकते हैं। आपको बता दें कि 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस की विशाल शहीद दिवस रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोग अगर हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आते हैं तो उनकी सरकार उन्हें आश्रय प्रदान करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो एक अन्य देश है और इस विषय पर केंद्र सरकार बोलेगी, लेकिन अगर असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाते हैं तो हम उन्हें आश्रय देंगे। ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव भी है कि पड़ोसी शरणार्थियों का सम्मान करेंगे। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने उसके बाद इसे एक्स पर पोस्ट करते हुए भी ये वादा फिर से दोहराया। सैकड़ों छात्र और अन्य लोग संकटग्रस्त बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल या भारत लौट रहे हैं। मैंने अपने राज्य प्रशासन से लौटने वालों को सभी सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने भारतीय उच्चायोग के समक्ष ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। बांग्लादेश ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी खासकर शरणार्थियों को आश्रय देने का आश्वासन कई लोगों, खासकर आतंकवादियों और बदमाशों को ऐसी घोषणा का फायदा उठाने के लिए उकसा सकता है। देश के कई राज्यों में भयानक बारिश से लोग बेहाल हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। तीनों राज्यों के कई शहर डूब गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर में गुरुवार को इतनी बारिश हो गई कि कई रिहायशी इलाके तक डूब गए। यही हाल एमपी और गुजरात के भी कई इलाकों में देखने को मिला। सड़कें नदियां बन गई हैं। पुणे में जहां बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी सेना को संभालनी पड़ रही है। दरअसल पुणे में भारी बारिश के बाद जब खड़कवासला बांध में पानी ज्यादा हुआ तो वहां से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने इस बारे में पहले से अलर्ट नहीं किया और आधी रात को पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया और शहर के निचले इलाकों की सोसाइटी डूब गई। गाड़ियों के तैरते हुए कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हुए हैं कि पुणे के कई इलाकों में पानी और बिजली की सप्लाई रात से ही बंद कर दी गई है और प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने को कहा है। पुणे में बारिश के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री अजीत पवार लगातार बैठकें कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ के हालात को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। पुणे शहर ही नहीं, जिले के पिंपरी, चिंचवाड़, मावल और लोनावला इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने
स्थिति को बिगाड़ दिया है। इधर महाराष्ट्र के अंबरनाथ स्थित 960 साल पुराने शिव मंदिर के भीतर भी बारिश का पानी भर गया। इससे मंदिर में मौजूद मूर्ति और शिवलिंग डूब गए। दरअसल वाल्धुनी नदी शिव मंदिर के पास बहती है और भारी बारिश के कारण उसका जल प्रवाह भी बढ़ गया। अंबरनाथ तालुका में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है और इसके कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। अगर बारिश जारी रही तो शहर में बाढ़ आने की संभावना है। इधर पुणे में प्रभावित लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय सेना की कई टुकड़ियां लगाई गई हैं। अब तक लगभग 400 लोगों को निकाला जा चुका है। अधिकारियों ने बताया है कि बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित सिंगड़ रोड इलाके में सेना की दो टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा राहत अभियान चलाने के लिए एनडीआरएफ, दमकल विभाग के साथ साथ जिला और शहर आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठों की टीमों को भी लगाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बारिश से प्रभावित लोगों को हवाई मार्ग से पुणे ले जाया जाएगा। पुणे की तरह मुंबई में भी बारिश से सड़कें समंदर बनी हुई हैं। मुंबई में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रात को लेकर बारिश की वजह से मुंबई से पुणे के बीच चलने वाले 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अंधेरी में जहां सबसे ज्यादा 157 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके बाद बीएमसी ने सभी स्कूल और कॉलेजों को आज बंद कर दिया। मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे और मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र से सटे गुजरात में भी जहां जोरदार बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। कच्छ और सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। अब तक राज्य के 7 जिलों से 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। गुजरात में बाढ़ और बारिश से अब तक 63 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात के बनासकांठा में भी बारिश होने से हालात खराब हैं। इधर मध्यप्रदेश के भी कई इलाके पानी के नीचे हैं। कटनी जिले में मूसलाधार बारिश से ढीमरखेड़ा और बहोरीबंद तहसील में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई गांव जो कि टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग घरों की छतों पर डेरा जमाए हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम को भी रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात को लेकर कहा कि कैचमेंट और डैम दोनों क्षेत्रों में बारिश हो रही है, इसलिए पानी अधिक आया। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सीएम ने अपील की कि आवश्यकता नहीं हो तो घर पर ही रहें। साथ ही उन्होंने सावधानी बरतने की भी अपील की। बहुत ज्यादा परिस्थिति है, अपूर्व परिस्थिति हुई है। लोगों के घर में पानी गया, रोड पे पानी है। पूना में खड़कवासला डैम में भी बारिश जोर से गिर रही है। मावड़ में लगभग 255 मिलीमीटर बारिश गिरा है। मुड़सी में 170 मिलीमीटर बारिश गिरा है और कैचमेंट में भी बहुत बारिश गिर रहा है, डैम में भी गिर रहा है। इसके डबल वजह से ज़्यादा पानी हुआ है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग तैनात है। मैं कलेक्टर, दोनों म्यूनसिपल कमिश्नर, दोनों पुलिस कमिश्नर सबको सूचना दी है, एनडीआरएफ को दिया है। एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से डिजास्टर मैनेजमेंट भी पूरी तरह काम कर रहा है। और मैं आर्मी के मेजर जनरल अनुराग विज, इनसे भी बातचीत की हुई है, कर्नल संदीप जी से बातचीत की है और उनको भी कहा है आपकी भी टीम अलर्ट रखो, आवश्यकता अगर लगती है तो आपकी टीम मूव करो। अभी आर्मी भी मूव हो रही वहाँ पर रेस्क्यू के लिए, और कोई ऐसे लोग जहाँ अटके हो तो उनको एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वहाँ एयरलिफ्ट की भी तैयारी उन्होंने की हुई है। इसलिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, अलर्ट है। लोगों से भी मैं अपील करूँगा, जहाँ जहाँ लोग फ्लड की पोजीशन है वहाँ से सुरक्षित जगह पर प्रशासन उनको शिफ्ट कर रहा है, उसमें उन्होंने सहयोग करना चाहिए। और प्रशासन को भी मैंने कहा है उनके भोजन की, पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह की जाए और उनको कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखे, ऐसे सूचना मैंने दी है और उस पर काम चल रहा है। मैं बारीकी से भी इसके ऊपर ध्यान मेरा है। मुंबई में भी मुंबई पुलिस, मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर से मैंने कहा है, अभी उससे बातचीत की है, तो मुंबई में भी ऑरेंज अलर्ट अभी लगभग डिक्लेयर हुआ है और अगले 3 घंटे में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर 222 पंप काम कर रहे पानी खींचने के लिए। कुरला और घाटकों पर ट्रैक पर पानी है, वो पानी निकालने का काम शुरू है।
ये अंधेरी का सबवे बंद है उसको भी पानी निकालने का काम शुरू है और सब यातायात शुरू है, रेलवे शुरू है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं मुंबई करों से भी अपील करूंगा, स्कूल को तो छुट्टी है, अगर आवश्यकता ना हो तो घर में रहिए, सुरक्षित जगह पर रहिए, इतनी इतना उनको अपील करता हूँ। रायगढ़ में भी कलेक्टर से बातचीत हुई है और उनसे उनको भी सूचना दी हुई है अलर्ट रहने की, और पूरे महाराष्ट्र के सभी कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, इनको मैंने सूचनाएं दी है, जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लड सिचुएशन है, वहाँ तत्काल हमारी यंत्रणा पहुँचे और उनको मदद करे, उनको सुरक्षित जगह पे रखे, उनका पूरा भोजन का व्यवस्था करे, पीने के पानी की व्यवस्था करे, ऐसी सूचना मैं ऑल कलेक्टर्स को दी हुई है। ऊना में